वैसे तो किसी भी वुमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मगर आपको भी अगर ये चीज सीखनी है कि किसी भी वुमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा। आसान सी भाषा में कहा जाए, किसी भी वुमन को अपनी तरफ आकर्षित हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अपनी तरफ रिझा सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। आप सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मेरे फेसबुक पे भी मैसेज किया कि सर एक टॉपिक इस वीडियो पे बनाइएगा जरूर। हमें भी जानना है कि हम कैसे किसी वुमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझ में इंटरेस्ट तो रखती है मगर मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। वो मुझे देखती है मगर मैं उससे बात करने की कोशिश ही नहीं कर पाता। मैं नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझ में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि मैंने सोच रखा है। तो आज की वीडियो ये जरूर देखिएगा लास्ट तक। वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए जानते हैं आप कैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन, ज्यादातर लड़के किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उनकी तारीफ जरूर करते हैं, जिससे कि वो लड़की बोतल में आ जाती है। सेम सिचुएशन फ्रेंड, आपको भी ये निभाना है कि जिस वुमन को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसकी तारीफ आप फ्रेंड जरूर करिएगा, क्योंकि इस एज में आने के बाद उनकी कोई तारीफ नहीं करता है। और ज्यादातर महिलाओं का, जो उसे हम कहते हैं वुमनों का, बहुत ही ज्यादा शौक होता है तारीफ सुनना फ्रेंड। तो अगर आप इस सिचुएशन में उसकी तारीफ करते हैं तो वो आपसे अट्रैक्ट जरूर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं आकर्षित। अगर आपको किसी भी वुमन को इम्प्रेस करना है तो उसे आप ये बताएं कि आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मगर तारीफ एकदम नेचुरल होनी चाहिए फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आप तारीफ फेक कर रहे हैं, क्योंकि इस एज में वो काफी ज्यादा मेच्योर हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो जब भी आप उसकी तारीफ करें तो रियलिटी तारीफ होनी चाहिए। लाइक जैसे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज बहुत अच्छा है, तुम जब बातें करती हो ना तो एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से करती हो, तुम्हारा सुझाव मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ उसके अकॉर्डिंग तारीफ जो कि उसको वाकई में वो गुतरद ने दिया हो या फिर कहा जाए गॉड गिफ्टेड हो। ऐसा कुछ करोगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होती चली जाएगी, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा अपना तारीफ सुनना आपके मुंह से। दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड उसके साथ एंटरटेनमेंट वाली टाइमिंग किया करें। जी हाँ, कहने का मतलब है कि आप जितना भी उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, अगर वो किसी वुमन से बात कर रहे हो तो नॉर्मली बात करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, घर में सब कुछ ठीक है, ये है वो है, अच्छा जॉब कैसी चल रही है, अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। यार ये सब बातें तो वैसे ही कॉमन होती है और ये सब बातें करने के लिए वो नहीं तड़पती है। अरे उसे तो ऐसा लड़का चाहिए जो उसे इंटरटेन कर सके, जो उसे हंसा सके, जो उसे संतुष्ट कर सके। जैसे कि अगर वो लड़की बहुत ही ज्यादा उदास बैठी है तो हम उसे हंसाने के लिए क्या करते हैं, उसके सामने कोई कॉमेडी करते हैं, कोई जोक क्रिएट करते हैं, जो उसे पसंद हो वो चीजें हम करते हैं। सेम सिचुएशन वुमन का भी है, आप उसके साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड करें और उसे जितना ज्यादा हो सके इंटरटेन करें। उसके चेहरे पर स्माइल बनने की वजह आप बने, उसको ऐसा लगे कि यार इस लड़के से बात करके ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मैं जब इस लड़के से बात करती हूँ तो मन ही मन सही मगर मुस्कुराती बहुत हूँ, ये लड़का हंसाता बहुत है, यार ये लड़का मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा समझता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो वुमन आपके तरफ ना आकर्षित होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं ना अट्रैक्ट होने लग जाती है कि यार इस लड़के में कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ये लड़का मेरी तारीफ करता है, ये लड़का जब मुझसे बात करता है तो कहीं और उसका ध्यान नहीं होता, ये लड़का जब भी मुझसे बात करता है तो मैं कितनी भी ज्यादा उदास रहूं मैं एकदम से खुश ही हो जाती हूँ, ये लड़का जब भी मुझसे बात करता है तो मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कान आ जाती है, ये लड़का मेरी इमोशन को समझता है। तो ऐसे लड़कों से वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आप उस वुमन को जानते हो, अगर आपकी उसके बात होती है तो ये फंडा जरूर आजमाइएगा। तीसरा पॉइंट, ज्यादातर वुमन के पास ना कोई एक ऐसा फ्रेंड नहीं होता जो उनकी फीलिंग को समझ पाता। अगर आपको उससे अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है, अगर आपको अपनी जो दोस्ती है उसे गहरी करनी है, तो उसके लिए फ्रेंड छोटा सा फंडा है कि आप जब भी उससे बात करें ना तो सबसे पहले उसकी बात को पूरी अच्छी तरीके से आप सुन लीजिए करें।
कई बार वुमन के मन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, कई बातें चल रही होती है, सवाल चल रही होती है, और जिनके जवाब उन्हें पता नहीं होते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप उनकी हेल्प करते हो, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, एटलीस्ट आप थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर ही देते हो, तो ज़्यादा चांस बनता है कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मगर ये बात बहुत ही कम लड़के को बताओगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें इम्प्रेस करना हो, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, तो शो ऑफ मारना चाहिए, स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए, स्टाइल दिखाना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। अगर आप इनको रियलिटी भी अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हो तो आपसे इम्प्रेस होना चाहती है, क्योंकि ये जानती है भाई, एक ही मोहल्ले में रहती है, इन्हें पता होता है कि हाँ वो कैसा बंदा है, हाँ वो किस तरीके का नेचर का है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसने नोटिस किया होगा ना, तो आपके नेचर को तो उसने पकड़ ही रखा होगा कि आप किस नेचर के बंदे हो, मगर वो नेचर को शो करवाना पड़ता है कि आप किस नेचर के अकॉर्डिंग चलते हो। तो ये बात भी उस वुमन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको किसी के साथ भी अपनी दोस्ती गहरी करनी होती है, तो हमें उसकी फीलिंग को समझना होता है, हमें उसकी इमोशन को समझना होता है। हम जब भी उससे बात करें तो उसकी बात पहले रखें, उसकी बात हम पहले सुने, ताकि उसको बात करना हमसे अच्छा लगे कि यार ये तो सिर्फ मेरी बातें सुनता है, ये मेरी बातें समझता है, तो इससे बात करना मुझे अच्छा लगता है, और घंटों आपके साथ टाइम स्पेंड किया करेगी, तो ऐसे में तो अट्रैक्ट होगी ना फ्रेंड। और जहां तक बात रहेगी उसके किस टॉपिक पर बात करना चाहिए, क्योंकि सर हम तो उससे फ्लॉट नहीं कर सकते, सर हम उससे ज्यादा चीप नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा आप ट्राई ले सकते हो कि देखिए वुमन को ना, ज्यादातर वुमन को रोमांटिक टॉक करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अगर आप दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है, आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, जाहिर सी बात है अगर आप उसकी बातें सुनते हो, उसके इमोशन को समझते हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो ना, तो उसको यकीन तो होगा आप पे, विश्वास तो करेगी कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपके मन में किसी भी तरह का मन मुटाव या फिर काजल छल कपट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी बातें तो सुनेगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको फ्रेंड, थोड़ा सा ही सही मगर रोमांटिक टॉक करें, उन्हें बताएं, एक अपनापन जताएं कि आप कितने रोमांटिक हैं, आपको कितने ज़्यादा रोमांस के बारे में पता है, आप एकदम अच्छी तरीके से बात करते हैं, जब आप बात करते हैं तो स्वीट टोन में बात करते, चिल्ला कर बात करना, कुछ उल्टे सीधे बात करना, ये सब चीज़ आपको नहीं आता है। आप सीधा वे में कहते हैं, कोई भी रोमांटिक बात छेड़ देते हैं, कोई भी रोमांटिक सॉन्ग गा देते हैं, कोई भी रोमांटिक बातें उससे कहलवा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उस वुमन को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि अब जो है ना उसके साथ कोई भी रोमांटिक टॉक नहीं करता है, अब उसकी इमोशन को कोई भी नहीं समझता है, अब उसके पास कोई भी बैठ करके उसके दिल की तसल्ली को ही सही मगर हल्का करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। मगर इस सिचुएशन में अगर आप ये सब काम करते हो, तो ज़्यादा चांस है भाई मेरे कि वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते मुझे कि हाउ टू अट्रैक्ट अ वुमन, मतलब किसी भी वुमन को अपनी तरफ आकर्षित करते कैसे हैं सर। ये वीडियो अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो भाई, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी गलत मोटिव, कोई भी गलत इंटेंस नहीं था। आप सभी लोगों ने फोर्स किया मुझे कि सर एक टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो कवर कीजिए, तो मुझे लगा क्यों नहीं एक टॉपिक पर कवर कर लेते हैं भाई, आप सभी लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो अगर आपने कहा तो एक टॉपिक बना देते हैं। अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा अच्छा प्यार दिखाओगे तो पार्ट टू भी बना देंगे भाई मेरे, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो फॉलो कर ही लीजिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों कर क्या रहे हो यार, आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रहा यार, शेयर किया करो। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहां तक देखा।